जनपद उन्नाव के हत्याकांड के मामले में 1982 के फरार चल रहे मुजरिम को उन्नाव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये साधु का वेश बदल कर फिर रहा था और इस फरार मुजरिम को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। हाईकोर्ट के सख्त रुख से बदल हरकत में आई पुलिस ने एक मुजरिम को गिरफ्तार किया है जो कि साधु का वेश बदल कर छिपा हुआ था। उन्नाव के अजगैन थाना के इलाके में 1982 में शेष नारायण के नाम से व्यक्ति के बाबू सिंह के नाम के युवक को हत्या कर दी थी और जब हाईकोर्ट में मामला चल रहा था आरोपी युवक को सजा हो गई थी लेकिन जमानत के पर जेल से बाहर निकला शेष नारायण ने अपना वेश बदल लिया था और फरार हो गए थे। इतने पुराने मामले को आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए चुनौती का काम था। साधु के वेश में आरोपी शेष नारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वही साधु बाबा को गिरफ्तार सलाखों के फिर भेज दिया जेल। ये आपको बता दें, ये काफी दिन से ये फरार चल रहा है, लगभग 32 सालों से। कोर्ट से वारंट जारी था और पुलिस इसमें लगातार तलाश कर रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी। ये अजगैन पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी लंबित चल रही थी। आपको बता दें कि ये 84 में इसने मर्डर किया था और 86 से फरार चल रहा था। इसको पता चल गया था कि हमें आजीवन कारावास सजा होने वाली है। उसके बाद कानपुर में भी एक बलात्कार और अपहरण के मामले में ये जेल गया था, वहाँ से भी जमानत था, वहाँ से भी फरार चल रहा था। इस प्रकार से बहुत अच्छी कामयाबी है और इस कार्रवाई को देखते हुए 15,000 रुपये का पुरस्कार SP सर द्वारा इनको दिया गया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को